करके सवाल पूछता हूं। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं, तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था, और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में वो पुरानी चीजों की आदि है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाए। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी की बात बताता हूं। 2014 में मेरी पार्टी में जो चंदा आता था इसमें से 81% चंदा कैश से आता था, जिसमें किसी का नाम नहीं होता था, 20-20 हजार रुपया कर जमा करते थे। 18 में ये 81% से 17% हुआ, 18 में एंड पे भी ये 17% पर रहा और 2023 पर कम होकर 3% पर आ गया था। हमारी पार्टी ने इसको ट्रांसपेरेंट वे से आगे किया था। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, इसमें इतना ही है कि बहुत बड़ा देश है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, ढेर सारे राजनीतिक दलों की सरकार होती है। अगर कोई एक राजनीतिक दल को पैसा देता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर विंडिक्टिव अप्रोच से अपने स्टेट के अंदर बदला लेता है। इसलिए एक व्यवस्था रखी थी जिससे किसने किसको चंदा दिया वो गोपनीय रहे, मगर इसमें गोपनीय नहीं रहता था किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना मिला। अब जो व्यवस्था होगी इसमें किसने कितना दिया वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश में देना है, और किस पार्टी को कितना मिला वो भी गोपनीय हो जाएगा क्योंकि कैश से लेना है, और कैश से लेना तो छोड़ो, घर पे ले जाने की व्यवस्था भी इसमें से हो गई। और हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, ये मिथ्या है सर। 6200 करोड़ हमें मिला है, इसके सामने 6200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं, उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, हमारी 17 सरकारें हैं, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। और ये काम के सामने चंदे का जो सवाल है वो भी गलत है, क्योंकि 2019 लोकसभा में हमें जो 6000 करोड़ मिला इसमें से 2019 लोकसभा के समय पर जो बॉन्ड खुले हैं इसमें 3071 करोड़ चंदा मिला है। तो आप जाहिर है जब आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो कोई काम के सामने चंदा नहीं होता है, और विधानसभा के चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमें 2640 करोड़ रुपया मिला है। उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई काम नहीं होता है, तो 90% से ज्यादा चंदा बॉन्ड से हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मिला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े धाराशास्त्री, जो ये पूरी सिस्टम के फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी राजनेता ही है ज्यादातर, चंदे वाली कैश चंदे वाली व्यवस्था का फायदा उठाने वाले,
वो उनका आर्ग्यूमेंट था कि इससे सरकारी नीतियां प्रभावित होती है, उनको ये मालूम नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट बनने के बाद कोई नीति आ नहीं सकती। तो ज्यादातर चंदा तो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में हमारा आया है, 90% चंदा। राहुल जी, इसको हफ्ता वसूली कहते हैं, खुद भी 1400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी। ठीक है, तो फिर उन्होंने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है, मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित घोषित करे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडी अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा जब पता चलेगा कि कहां से, जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चीट पढ़ पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी, उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। एक एक चीज जो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि काफी सारा, करीब 14 कंपनियों का पैसा जो है, करीब 4000 करोड़, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने तब खरीदे हैं जब उनके वहां कोई किसी प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड हुई है, जैसे कि ईडी या सीबीआई। मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है वो 6000 करोड़ में हुआ हो जो घमंडिया गठबंधन को मिला है। हमारा जहां तक सवाल है, चुनाव के 40 दिन में हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि जिनमें रेड हुई है वो जरूरी नहीं कि उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया। अभी आएगा ना, मैं कह रहा हूं। अच्छा, कल आप कह रहे हैं जब आएगा कल तो सारा आएगा, दूध और पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, उसका इंतजार करेंगे, वापस आपसे फिर उससे सवाल करेंगे। एक इससे लगा हुआ सवाल है तो पूछकर इस मुद्दे से आगे बढ़ते कि ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है, ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है, और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, 95% काले धन वाले की है। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही